जीएसटी में हुए संशोधन के कारण इस कर प्रणाली को सरल करने की बजाय बेहद जटिल करने से परेशान हुए 40,000 से अधिक व्यापारी संगठन जो देश भर में 8 करोड़ से ज्यादा व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के नेतृत्व में आगामी 26 फरवरी को जीएसटी के बेतुके एवं तर्कहीन प्रावधानों को वापस लेने तथा कॉमर्स कंपनी अमेज़न पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर भारत भर में व्यापार बंद आयोजित करने जा रही है। इसमें सभी व्यापारियों को शामिल होने की अपील की गई है। जहां महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली है, वही हालात बेकाबू होते ही देख महाराष्ट्र सरकार ने कई जिलों में फिर से लॉकडाउन लगा दिया है। इस बीच महाराष्ट्र के वाशिम जिले में भी बीते बुधवार को 318 नए कोरोना मरीज मिले हैं, लेकिन अब इन संक्रमित मरीजों में 190 छात्र भी शामिल है। दरअसल महाराष्ट्र के वाशिम जिले के रिसोड तहसील के देगांव स्थित एक स्कूल के हॉस्टल में 229 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से यह खलबली मच गई। शहर में लोगों को हनी ट्रैप के नाम पर फंसाने वाली टोली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला परिषद में कार्यरत तेजराव नवलवार ने पुलिस के पास शिकायत की है कि एक युवती फोन करके मिलने के लिए बुला रही थी। उसे मिलने के लिए वे MIDC क्षेत्र पहुंचे और उसके साथ बातचीत कर रहे थे, तभी तीन युवक आए, उनके साथ मारपीट करने लगे कि तुमने हमारी बहन के साथ छेड़खानी की है, मामला निपटाने के लिए 1,00,000 रुपए की मांग की। बदनामी के कारण तेजराव ने उस व्यक्ति को 1,00,000 रुपए दिए, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपियों को दबोचा। फिलहाल देश में पेट्रोल डीजल की कीमत तेजी से बढ़ रही है। पेट्रोल ने तो कई जगह 100 रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसके चलते ग्राहक के जेब पर बड़े पैमाने पर आर्थिक तनाव बढ़ने लगा है। ऐसे में फिर भी दूसरी ओर ग्राहक के जेब पर और कैंची चलने वाली है। फिर सरकारी कंपनियों ने LPG सिलेंडर में वृद्धि की है। राजवीर संगठना के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान ने शासन प्रशासन को आड़े हाथ लिया है। सरकार तथा जिले के जनप्रतिनिधियों तथा जिला प्रशासन पर सवाल उठाया है। जिस तरह अमरावती शहर तथा जिले भर में जनता कर्फ्यू लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, जिसकी पूरी तरह से पालन भी नागरिक कर रहे हैं, परंतु क्या जिला प्रशासन ने एवं जिले के पालक मंत्री, शहर की आमदार, जिला प्रतिनिधियों ने इस बात पर कभी ध्यान दिया कि अब आसानी से प्राप्त होने वाला कोरोना वैक्सीन के अलावा सैनिटाइजर मास्क सैनिटाइजर का छिड़काव अमरावती महानगर पालिका ने क्यों बंद कर दिया था? यह सब सुविधाएं अचानक कहां से गायब हो गई है, आदि प्रश्नों को लेकर उन्होंने अपनी मांग रखी। ये वैक्सीन प्राइवेट दवाखानों के अंदर में अगर लिया जाए तो वहां पैसा देना पड़ेगा। विरोध हम यहां कर रहे हैं कि यदि शासन ने, आरोग्य मंत्री ने, महाराष्ट्र सरकार ने, मुख्यमंत्री साहब ने और जिले की पालक मंत्री, खासदार, आमदार ने ये प्रयत्न किया, जिला प्रशासन ने ये प्रयत्न किया कि ये वैक्सीन सिवाय सरकारी अस्पतालों के अलावा कहीं ना भी उपलब्ध हो, तो ऐसा लगता है कि ये वैक्सीन का लाभ सामान्य नागरिकों को, गरीबों को अवश्य होगा। महानगर पालिका में प्रत्येक क्षेत्र में छिड़काव, मास्क की व्यवस्था, ये सब थी, अचानक से बीच में गायब क्यों हो गई थी? दूसरी बात और बताना चाहता हूँ कि ये कॉलोनियों में और श्रीमंत, मतलब बड़े लोगों के घरों के तरफ, अच्छे अच्छे अहदेदार लोगों के घरों के तरफ ये छिड़काव हो रहा है, सैनिटाइज़र दिया जा रहा है, उसके अलावा मास्क की व्यवस्था हो रही है। मैं एक बात करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि ये बातें गरीबों के तक क्यों नहीं पहुँच पाती है? गरीब में झोपड़पट्टियों के अंदर में छिड़काव क्यों नहीं होता है? छिड़काव भी झोपड़पट्टी में भी होना चाहिए, झोपड़पट्टी की तरफ भी देखिए, कहाँ चले गए नगर सेवक लोग, कहाँ गए जनजागृति लोग? नगर पालिका के, नगर परिषद के सदस्य कहाँ गए? जिला परिषद के सदस्य कहाँ चले जाते हैं? कहाँ नहीं, कहाँ क्यों नहीं करते जनजागृति? मुस्लिम क्षेत्र भी है, वोट बैंक की तरह लोगों को इस्तेमाल करना छोड़ दे। एक युवती ने खुद के किडनैपिंग होने का बहाना बनाकर नकली ऑडियो तैयार किया और वह ऑडियो खुद के जीजा को भेज दिया। उसके बाद लड़की ने पतरोड में जाकर अपने प्रेमी के साथ प्रेम विवाह कर लिया। यह मामला उजागर होते ही पतरोड पुलिस ने दोनों को पकड़कर आगे की कार्रवाई की। दोनों को शेगांव पुलिस के हवाले कर दिया है।